morning, students. Welcome in the class 7. As we all know that we are watching our video of subject maths, class 7. And chapter 3, that is HCF and LCM. HCF और LCM में हमने इसके पूर्व जो वीडियो देखा है उसमें आप लोगों को याद होगा बेटा, हम लोगों ने प्राइम नंबर के बारे में जानकारी ली हुई है और प्राइम नंबर क्या होता है ये सब जानकारी हमने बहुत अच्छे से देखी। इसके अलावा हमने को प्राइम नंबर्स और ट्विन प्राइम नंबर्स भी देखे और कंपोजिट नंबर्स के बारे में भी जानकारी ली हुई है। ठीक है, आज हम लोग उसके सामने का पोर्शन देखने जा रहे हैं। जैसे आपको पता है आपके सामने, अभी मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपके सामने अभी टेक्स्ट बुक है और टेक्स्ट बुक में हम लोग पेज नंबर देख रहे हैं अपना पेज नंबर 16, जो कि 15 में आप लोग को लिखा हुआ है फैक्टराइजिंग नंबर इनटू इट्स प्राइम नंबर फैक्टर। ये हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये पूरा पोर्शन आप लोग को दिया गया है ऑन पेज नंबर 16। 16 नंबर पेज ओपन करिए और उसमें आप लोग को ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट दिया है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट दिया है, ये कुछ कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। ये कंस्ट्रक्शन मुझे पता है कि आप लोग के लिए बिल्कुल नया है, पर ये आप लोग को जब मैं समझा के बताऊंगा तो आप लोग को ये बिल्कुल भी नया नहीं लगने वाला है। ऐसा लगेगा कि हाँ, ये तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल्स है, आप लोग जरूर इसको ट्राई करिए। देखिए, जिस तरह से टेक्स्ट बुक में समझा कर दिया है उसी पैटर्न में आप लोग को समझा के बताऊंगा मैं, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग को देखना बेटा वर्टिकल अरेंजमेंट। वर्टिकल अरेंजमेंट यानी कि जिसमें कॉलम वाइज अरेंजमेंट होता है और रो वाइज उसको डिवाइड करना होता है हम लोग को। जैसे कि बेटा आप लोग को यहाँ पे जो हेडिंग दिया है इसमें बताया गया फैक्टराइजिंग द नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब दिए हुए नंबर को फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, जैसे आप लोग को बताया कि 24 के फैक्टर्स आप लोग को निकालने, 24 के फैक्टर, कैलकुलेट द फैक्टर्स ऑफ 24। ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग को उसके फैक्टर्स निकालना आना चाहिए, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, जैसे कि 24 = 2 × 2 × 2 × 3, ये इसके फैक्टर्स है। ये कैसे कैलकुलेट किए हमने, ये वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट के थ्रू आप लोग ये दो मेथड से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे मैं आप लोग को समझा कर बताता हूँ बेटा। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे एक इस तरह से कॉलम बना लेना है, ठीक है, एक सीधी रेख खींचनी है, एक आड़ी रेख खींचनी है और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को 24 नंबर या फिर जो भी नंबर दिया है वो लिख लेना है। सबसे पहले कोशिश करिए उसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करने की। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो 2 × 12 = 24, है ना। तो जो क्वेश्चन आता है मतलब जो संख्या से भाग जाता है, 12 का 24 को 2 से भाग जाएगा तो 12 बचेंगे, है ना, क्वेश्चन 12 आएगा, तो ये हम लोग को नीचे लिख लेना। मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरह से चलने वाला, देखिए, मतलब 2 × 12 = 24, ठीक है। अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब देखिए यहाँ पे मैं 3 और 4 से भी डिवाइड कर सकता था, लेकिन कोशिश करिए स्मॉलेस्ट नंबर से अगर भाग जाता है तो उसी नंबर से आप लोग को भाग देकर देखना है, ठीक है। तो 12 को ना मैंने 3 का भाग दिया, ना 2 का भाग, ना 4 का भाग दिया, मैंने कम से कम संख्या का ही भाग दिया हुआ है। अगर 2 का नहीं जाता तो फिर 3 का देकर देखेंगे, और 3 का नहीं जाता फिर 4 का, और फिर 4 का नहीं जाता तो फिर 5 का, लेकिन हाईएस्ट नंबर से पहले उसको डिवाइड नहीं कर लेना। जैसे कि 24 को 2 का तो जाता ही है, 4 का जाता है ना, 4 × 6 = 24, तो मैंने 4 के बारे में सोचा क्या, नहीं। तो हम लोग को कोशिश करनी कि स्मॉलेस्ट नंबर से उसको डिवाइड करें, तो 2 का भाग देकर 12 बचे, 12 को 2 का भाग देंगे तो क्या आंसर आएगा बेटा, 6 आएगा। अब 6 को दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3, और फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, और जब आखिरी में हम लोग को 1 रिमाइंडर मिलता है, आखिरी में 1 रिमाइंडर बचता है, तो समझ लीजिए कि आपका गणित वहां पे खत्म हो गया, ठीक है। इस पैटर्न से आप लोग को हर एक डिवाइडर को बनाना है बेटा, मतलब आप लोग को इसको भाग देकर देखना है, पूरा भाग जाएगा उसी संख्या को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इस फैक्टराइजेशन में आप लोग को हर एक संख्या का पूरा भाग जाना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप लोग को इसके फैक्टर यहाँ पे लिख लेना है, 24 = 2 × 2 × 2 × 3, ये नंबर आप लोग को यहाँ पे लिख लेने हैं, तो ये आसानी से इसके फैक्टर बन जाते हैं। अब देखिए बेटा, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से इसी एग्जांपल को सॉल्व किया गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए शुरुआत में आप लोग को, जैसे कि यहाँ पे 12 का भाग दिया गया था तो 2 का भाग देकर आप लोग को कितना आंसर मिला, यहाँ पे 12 आंसर मिला, ठीक है। तो 2 × 12 = 24, ठीक है। फिर हम लोग को क्या करना है,
इस 12 को दोबारा 2 को भाग 2 का भाग देकर देखना है। देखिए दो जो 2 है वो कंटिन्यू वैसे के वैसे ही लिखना है और 12 के फैक्टर आप लोग को यहां पे लिखने हैं 2 into 6 is 12। अब देखिए बेटा अब आखिरी में 6 बचा है तो 6 के फैक्टर हम लोग को लिखने पड़ेंगे और 2 into 2 जैसे के वैसे ही हम लोग को यहां पे लिखना होगा। तो 6 के फैक्टर क्या आते हैं 2 into 3 is 6। तो आखिरी में इसको और अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो 3 के फैक्टर्स नहीं बनते हैं, है ना। 3 के कौन से फैक्टर बनते हैं आप लोग बताइए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप लोग को गणित को वहीं पे स्टॉप करना है, मतलब आप लोग को 24 को यहां पे फैक्टर्स लिखने हैं, देयरफॉर 24 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 3। अब देखिए ये और ये दोनों फैक्टर्स सेम आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने इनकी कैलकुलेशन करके देखी, मतलब मल्टीप्लिकेशन हम लोग को इसको करके देखना है, तो आप लोग का आंसर 24 आना चाहिए तभी आपका गणित बराबर होगा। तो देखिए यहां पे 24 इज इक्वल टू 2 into 2 इज 4, 4 into 2 इज 8 एंड 8 into 3 इज 24। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को आंसर लिखने हैं बेटा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आपके नेक्स्ट पोर्शन में जिसमें आप लोग को ये तीन कुछ अलग सा कंस्ट्रक्शन बना के बताया गया है। ये कंस्ट्रक्शन भी मैं आप लोग को समझा के बताता हूँ। ये इस तरह से भी आप लोग फैक्टर बना सकते हैं। देखिए मैंने आप लोग को दो मेथड बताई, एक थी वर्टिकल अरेंजमेंट, दूसरी थी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। अब हम लोग थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। थर्ड मेथड में आप लोग को दिए हैं नंबर 63, 45 और 20, ऐसे तीन नंबर दिए हैं, हर एक के आप लोग को फैक्टर बनाने। अब फैक्टर बनाने के लिए आप लोग ध्यान में देखिए कि 63 को अगर हम लोगों ने सोचा कि पहाड़ों में 63 कहां पे आता है, तो 63 आता है 7, 9, 63, है ना, 7, 7, 9, 63। तो 7 और 9 इसके दो फैक्टर बन गए। ये देखिए इस तरह से 7 और 9 दो फैक्टर बन गए। अब देखिए 7 और 9 के अलग अलग आप लोग को फैक्टर बनाने। 7 के फैक्टर क्या आएंगे, 7 का कोई मल्टीप्लिकेशन में कोई दो संख्याओं को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 7 आता है, ऐसा कोई डिजिट नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली 7 को एज इट इज 7 लिखेंगे। और 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, 9 कोई दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आता है, ऐसे कौन से नंबर है, 3 into 3 is 9। तो जो बची हुई संख्या है वो हो जाएंगे 63 के फैक्टर। तो 63 देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 63 इक्वल टू 3 into 3 into 7। इस तरह से इसके फैक्टर लिख ले। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 45 की तरफ। 45 में आप लोग को पहाड़े याद करिए, टेबल याद करिए, उसमें आप लोग को समझ में आएगा कि 9 के पहाड़े में 45 आता है, 5 के पहाड़े में भी 45 आता है, तो दोनों 9 5 कहीं पे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो हमने यहाँ पे 5 और 9 इस तरह से लिखा हुआ है। अब देखिए बेटा 5 के फैक्टर अगर बनाने, 5 के फैक्टर, तो 5 का कोई फैक्टर नहीं है तो वो एज इट इज जैसे के वैसे ही रहेगा। 9 के फैक्टर है 3, 3 द 9, जैसे अभी हमने देखा था। तो आखिरी में 45 के फैक्टर कहेंगे 3 into 3 into 5 is equal to 45। और नेक्स्ट चलते हैं 20 की तरफ। 20 इज वेरी सिंपल नंबर। 20 आफ्टर डिवाइडिंग द 20 बाय 10 नंबर 2, नंबर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें 10 को, तो आपका आंसर आता है 20, या 20 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आता है 10। तो इसके और अलग अलग फैक्टर भी हो सकते हैं, हमने सिर्फ 10 और 2 ये नंबर लिख लिए है, 10 into 2 is 20। तो 2 के फैक्टर अगर बनाने हैं तो 2 की कोई फैक्टर नहीं आते, 2 जैसे कि वैसे रिमेन आते भी हम लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर 10 के दो फैक्टर आप लोग को लिखने बेटा, 2, 5, 10। तो इसको इस तरह से एरो बना के 2 और 5 के 2 इस तरह से फैक्टर बनाने, तो आपको यहाँ पे आंसर मिलता है 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5, मतलब 2 into 2 into 5 4, 4, 5 20। इस तरह से 20 के फैक्टर हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो देखिए आपको जो प्रैक्टिस सेट 11 है, इसमें आप लोग इन में से कोई भी मेथड का यूज करके इन एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द यू, बट स्टिल वी आर फाइंडिंग अवर नेक्स्ट नंबर, मतलब कुछ बड़े नंबर देखते बेटा अभी हम लोग। बड़े नंबर्स में इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे ये आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। देखिए फैक्टराइज में 117 ऐसा एक नंबर दिया है और दूसरा है फैक्टराइज 250 दिया है बेटा। ये दो नंबर्स आप लोग को दिए हैं, इन दोनों मेथड्स को, दोनों नंबर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखिए ये 117 का फैक्टराइजेशन यहां से यहां तक बनाया हुआ है और 250 का फैक्टराइजेशन यहां से यहां तक बनाया हुआ है। दोनों में मैंने फर्स्ट वर्टिकल मेथड यहां पे ली है और दूसरा हॉरिजॉन्टल मेथड यहां पे ली हुई है। इसमें भी वर्टिकल मेथड ली हुई है और हॉरिजॉन्टल मेथड ली हुई है। आपको ये जो प्रैक्टिस सेट 11 के एग्जांपल सॉल्व करने हैं, इनमें दोनों मेथड में से कोई भी एक ही मेथड का यूज करना है। मैं दोनों समझा के दे देता हूँ आपको, लेकिन आपको इनमें से कोई भी एक ही मेथड जो अच्छे से समझ में आई उसी को लिखना है बेटा यहाँ पे। अब देखिए 117 को यदि हम लोगों ने 3 से देखिए 117 इज ना ऑड नंबर है 117, उसको हम लोग ऑड नंबर से डिवाइड करेंगे
तो ही उसका आंसर आएगा। इवन नंबर से मतलब दो से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। तो हम लोग को 117 को दो का भाग नहीं जाता, इसलिए उसके बाद भी फिर तीन का भाग देकर देखेंगे। तो जब हम लोग इसको 117 को तीन का भाग देते हैं तो आपका क्वेश्चन आता है बेटा 39, मतलब आप लोग को 39 आंसर मिलता है। अब 39 को भी दो का भाग देकर देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा। दोबारा हम लोग को तीन का भाग देना है तो आपका आंसर आएगा बेटा 30। अब 13 जो है, जिसको हमने अभी थोड़ी कुछ दिनों पहले देखा था बेटा, एक प्राइम नंबर है वो, तो 13 को सिर्फ वही संख्या का 13 का ही भाग जाता है। तो 13 वन 13। अब जैसे आप लोग को आंसर आखिरी में बचा हुआ एक यहाँ पे मिल रहा है, तो डायरेक्टली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसके फैक्टर लिख लेंगे। 117 इज इक्वल टू 3 × 3 × 13। इस तरह से मैंने इसके फैक्टर्स लिख लिए। अगर मान लीजिए इसी को मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से कैलकुलेट करता हूं तो 117 इज इक्वल टू क्या होता है, 9 × 13। और जैसे आप लोगों ने यही इसी तरह से अगर 117 के स्मॉलेस्ट फैक्टर अगर कैलकुलेट करने की कोशिश की तो 9 × 13 यानी कि 3 × 3 × 13। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड। अब हम लोग देखेंगे बेटा फैक्टराइजेशन ऑफ 250, 250 को फैक्टराइज करना है। अब देखिए 250 के नंबर मैंने इस तरह से वर्टिकल अरेंजमेंट में लिख लिया। अब सबसे पहले हम लोग वर्टिकल अरेंजमेंट से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 250 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आता है, 125। तो यहाँ पे आपका डिवाइड करने के बाद आंसर आया 125। फिर 125 को 2 से भाग देकर देखेंगे, 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, भाग नहीं जाता। और डायरेक्टली 5 का भाग देंगे ना तभी भाग जाएगा। तो 125 को 5 का भाग दिया तो आपका आंसर मिलता है बेटा 25। और फिर 25 को भी दोबारा 5 का ही भाग जाता है तो 5 × 25, तो ये हो गया हमारा 25 उत्तर। और 5 को 5 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पे आता है 1। और आखिरी में आप लोग को ये फैक्टर मिल गए हैं, 1 हमारा आंसर बच गया है। तो 2 × 5 × 5 × 5 ये हो गए 250 के फैक्टर। ये देखिए 2 × 5 × 5 × 5 ये 250 के फैक्टर इस तरह से हमने लिख लिए। अब इसको हॉरिजॉन्टल मेथड में आप लोग को अगर कैलकुलेट करना है तो सेम है, हम लोग को दोबारा वो 250 को 2 से भाग देकर देखना है। ये भी इवन नंबर है, इवन नंबर को इवन नंबर का ही भाग जाता है। तो 2 से भाग देंगे तो 125 आएगा। 125 के फैक्टर क्या होंगे, 5 × 25। ठीक है, जो 2 जैसे कि वैसे कंटिन्यू रहेगा बेटा। एक बार उसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो वो नंबर एज इट इज आप लोग को कंटिन्यू करना है। तो 2 × 25 × 5 = 125। और उसके बाद 2 × 5 एज इट इज यहीं पे कॉमन आएगा, वो कंटिन्यू करेंगे हम लोग। और फिर 25 के फैक्टर लिखेंगे 5 × 5। तो इस तरह से आपको आखिरी में मिलते हैं 250 = 2 × 5 × 5 × 5। तो देखिए दोनों मेथड से भी आप लोगों ने एग्जांपल किए तो भी आप लोग का ये एग्जांपल एकदम सही है। अब चलते हैं हम लोग हमारे इस वीडियो के आखिरी एक मतलब एग्जांपल की तरफ, वो है बेटा फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40। ये देखिए पेज नंबर 17 पर सबसे ऊपर में ये गणित दिया हुआ है आप लोग को। इसको मैंने दोनों मेथड से सॉल्व किया हुआ है, वर्टिकल अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से। इसी गणित को 40 के फैक्टर हम लोग को बनाने हैं। तो देखिए वर्टिकल अरेंजमेंट में आप लोग को इस तरह से एक कॉलम बना लेना है और उसको रो से डिवाइड नीचे खींच लेनी है, एक सीधी लाइन और एक आड़ी लाइन बना लेनी है। 40 को सबसे पहले 2 का भाग देखेंगे, देकर देखेंगे तो आंसर क्या आता है 20। फिर 20 को भी 2 का भाग जाता है तो आंसर आएगा 10। फिर 10 को 2 का भाग जाता है तो आंसर आएगा 5। और फिर 5 को बेटा 2 का 3 का 4 का कोई संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ 5 का जाता है तो आंसर आएगा 1। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद फ्रॉम टॉप टू बॉटम इसके आंसर हम लोग लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5। देखिए 2 × 2 × 2 × 5 = 40। तो ये हो गया हमारे 40 के फैक्टर। अब हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड की तरफ चलते हैं। हॉरिजॉन्टल मेथड में आप लोग को यहाँ पे 3 मेथड बताए गए। अब देखिए बेटा 40 को हमने 22 से डिवाइड किया तो 20 आएगा, 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, और 40 को 8 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया तो 5 आएगा। तो इस तरह से 3 मेथड से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ वर्टिकल अरेंजमेंट में छोटी संख्या का ही यूज करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो 40 = 2 × 20। अब देखिए 2 जैसे कि वैसे आप लोग को कंटिन्यू करना है तीनों जगह पर, तो 20 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 10। ठीक है, फिर ये 2 भी कंटिन्यू हो जाएगा। फिर 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 5। तो इस तरह से आप लोग को आखिरी में जो आंसर मिल रहा है वो ये है 2 × 2 × 2 × 5, जो कि सेम आंसर आप लोग को यहाँ पे भी मिला था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, 40 = 4 × 10। अब बेटा देखिए 4 और 10 इनके दोनों के अलग अलग फैक्टर बनते हैं, 4 के 2 × 2 और 10 के 2 × 5। इस तरह से भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आखिरी में हम लोग देखेंगे 40 के नेक्स्ट फैक्टर 8 × 5। 8 × 5 में
आप लोग को पता है कि 8 के फैक्टर क्या होते हैं 2 into 2 into 2 और 5 का फैक्टर क्या होता है बेटा 5 at least मतलब alone 5 is only factor of 5 5 का एक ही फैक्टर होगा वो होगा 5 2 का भी एक ही फैक्टर होगा वो होगा 2 ऐसे कुछ नंबर है कि जिसको सामने में हम लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते तो ये हो गया हमारा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इसके बाद हम लोग को देखना है प्रैक्टिस सेट 11 और प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करने के लिए आप लोग को यहां पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं इन एग्जांपल्स को आप लोग को सॉल्व करके देखना है बेटा पर हमारा यहां पे समय खत्म हो गया है इसलिए हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 11 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जरूर ट्राई करेंगे लेकिन जितना पोर्शन आप लोग को आज मैंने यहां पे लिखकर बताया है वो आप लोग अपने कॉपी में लिखकर रखिए और इसकी प्रैक्टिस करके देखिए ताकि आप लोग को ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए और मजा आए और इसको और अच्छे से करके देख सके आप लोग थैंक यू क्लास थैंक यू सो मच आप लोग हंसते रहिए खुद और दूसरों को भी खुश रखिए टेक केयर बाय